चलो बूथ पर बटन दबाएं, मतदाता का फर्ज निभाएं। यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग आइए, मतदान करिए, क्योंकि यह जो चुके तो फिर 5 साल के बाद ही। मैं तो स्वयं आया, अभी मैं सुबह से अपने कार्यक्रम परिवर्तन में लगा हुआ था, अभी समय हुआ तो मैं अपना वोट देने आ गया। हमारे देश का यह महापर्व है, इस दिन के की प्रतीक्षा में हम लोग महीनों से इंतजार करते रहते हैं कि इतना बड़ा जो महत्वपूर्ण पर्व है उसमें सम्मिलित हो। मैं भी आज इसी पर्व में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ और मैंने अपना मतदान किया, बड़ा सोच समझ कर मैंने अपना निर्णय लिया है। और मैं तमाम लोगों से, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से अनुरोध करता हूँ कि एक छोटा सा निशान आपकी उंगली पर जरूर लगे। आपकी उंगली की यह पहचान आपकी शान है, यह कोई निशान नहीं कि हमारी शान है, हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक है। तो हम लोग यही सब लोगों को कहते रहे हैं, चलो बूथ पर बटन दबाएं और अपना अधिकार जो हमारा है उसको लोगों को बताएं। चलो बूथ पर बटन दबाएं, मतदाता का फर्ज निभाएं। तो आपके माध्यम से तमाम लोगों, अभी तक जो लोग नहीं पहुंचे हैं मेरे भाई बहन, घर से नहीं निकले हैं, यह 5 बरस के बाद आने वाला है अब यह पर्व। तो मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, जितने भी, मैं तो शिक्षक हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, अपने भक्तों को भी, अपने बच्चों को भी, आप तमाम मित्रों को भी यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग आइए, मतदान करिए, क्योंकि यह जो चुके तो फिर 5 साल के बाद ही। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत प्रकार के बातचीत करते रहते हैं कि कभी सरकार की निंदा करते हैं, कभी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो मेरा केवल यह आप लोगों से अनुरोध है कि आज के इस महत्वपूर्ण दिवस का उपयोग करें। मेरे भाई घर में क्यों बैठे हो, आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था इसके कैंपस में अभी चल रही है, सारे लोग आ रहे हैं, वोट दे के जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप चूक जाए तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि हम वोट नहीं दे सके। जान लीजिएगा कि एक तो हम लोगों के यहाँ जो अभी हम, मैं तो पटने की बात कर रहा हूँ, पटना के मैक्सिमम अधिकांश लोग तो बाहर चले गए और जाकर लोग अपना यहाँ अपने घर द्वार छोड़ के बाहर बैठे हुए, जो मजदूरी करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, सब लोग अलग अलग हैं। प्रतिशत गिरा नहीं है, या हम लोग यह माने कि हमारे लोग कहीं बाहर चले गए। अभी तो मैंने यह भी सुना कि अमेरिका से एक व्यक्ति परिवार के साथ आया और वोट देकर वह चला गया। ये अभी तो हमारे देश के लोग हैं, ये ललक होनी चाहिए, यह जज्बा होनी चाहिए। और हम केवल ड्राइंग रूम में बैठ के पश्चाताप करें यह भी उचित नहीं। मैं तो स्वयं आया, अभी मैं सुबह से अपने कार्यक्रम परिवर्तन में लगा हुआ था, अभी समय हुआ तो मैं अपना वोट देने आ गया। ये अपने दायित्व की पहचान करो, मैं सब लोगों से यही अनुरोध करूँगा। तो पार अगर दवा कर रही है तो दवा उनकी सही होगी, हम क्या बता दें। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि हमारी 400 पार, तो कुछ सोच समझ कर ही निर्णय किया गया होगा। यह तो मेरी तो शुभकामना है कि सबका यह मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो। राजनीतिक सवाल नहीं, या तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, सामाजिक है, पारिवारिक सवाल है। दर्शन का है यह आह्वान, हाँ, शत प्रतिशत हो, करो मतदान। यह आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपना अपना मतदान करें।